करो टाइट टाप रहो इन लिक्विड। स्टीम लाइन फ्लो आपके लिक्विड इज दैट फ्लो
T90 flow after liquid is air flow, in which each element of the liquid, each element of the each molecule, in which each element of the liquid, in which each element of the liquid passing through a point, passing PASSING, passing through a point, travel along the same path, travel along the same path with the same velocity as the preceding element preceding मतलब उससे पहले जो गया है preceding element passes through that point हो गया उस पॉइंट से जो पहले जो मॉलिक्यूल गया है उसी तरह से जैसे मान लो यहाँ पहले ले लिया यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर यहाँ होगी लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ से गए हैं सभी का इन पॉइंट से जो वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड रहा होगा वो आगे बेटा सेम लग रहा है ठीक जैसे मान लो यहाँ जो मॉलिक्यूल आया होगा यहाँ भी पास हुआ होगा ना यहाँ भी पास हुआ होगा इन पॉइंट पर जिसकी वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड रहे होंगे वही आगे वाले पॉइंट पर उसकी मैग्नीट्यूड और क्या होंगे वेलोसिटी उसमें कोई चेंजेस नहीं होती ठीक है तो वो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी जो होता है इन एवरी पॉइंट इन मोशन वो ऑलवेज क्या रहेगा आपका सेम रहेगा ऑलवेज क्या रहेगा सेम रहेगा तो इसके बेस में हम लोग यहाँ से दिखा रहे हैं क्या होता है कैसे होता है इसी को कहा जाता है कौन सा फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं जिसे नोन एज स्ट्रीम लाइन फ्लो कह दिया जाता है ठीक तो डायग्राम बना दीजिए सर पतला होता जाते तो और पानी वाले आके इसमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं और आके इसको डिस्टर्ब नहीं करते नहीं ये जो भी इधर के दूर से पास होगा जब जैसे आपको हमने एग्जांपल बताया था चींटियाँ चलती हैं तो जिस रूट को फॉलो करते हैं पीछे वाला भी उसी रूट को क्या करता है फॉलो करता है बगल वाला दिशा में नहीं करता ना वो अपने रूट को अपने रूट से जैसे इंडिया को छोड़ बहुत सारे ऐसे कंट्री वहाँ पर भी लाइन से ही वर्क होता है हमारे इंडिया में गाड़ी आती है बगल वाला गुजरात दूसरे साइड से निकालने लगता है जो 2 मिनट में जाम खत्म होना था वो घंटों लगता है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वेलोसिटी तो वेलोसिटी डिपेंड करेगा आपका जहाँ पर क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ जाते हैं उनकी जहाँ जाते हैं भाई अगर पतला हो गया तो तेजी से निकल गया चौड़ा था धीरे धीरे निकल गया यहाँ पर किस कंडीशन में तेजी वेलोसिटी बढ़े बढ़ा वेलोसिटी आगे जो कठिन हो रहा है पाइप वहाँ पर वेलोसिटी क्या करेगा बढ़ती है लेकिन रूट आपको वही फॉलो करेगा रूट में कोई चेंजेस नहीं दिखा रहे सेम वेलोसिटी दिया गया इसका मतलब सेम वेलोसिटी मतलब क्या होगा इस पॉइंट पे जो भी मॉलिक्यूल आएगा सभी उसकी वेलोसिटी और पाथ वही होगा जो सबसे पहला वाला मॉलिक्यूल इस पॉइंट से गुजर रहा है मतलब जो मॉलिक्यूल पहले यहाँ से गुजर है उसके पीछे आने वाले जितने मॉलिक्यूल होंगे उसी पाथ को फॉलो करेंगे उसी वेलोसिटी से वहाँ से पास होंगे ये कहते हैं ये नहीं कहते यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी सेम रहेगी उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आती है और अप्रिशिएट पहले फर्स्ट में अप्रिशिएट मतलब पहले जो मॉलिक्यूल था उसकी जो वेलोसिटी है वही उसके बाद वाले बाद जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी वेलोसिटी और डायरेक्शन वही रहेगा ठीक है उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस किया जाता है ठीक समझ गए बेटा यस नोट करो फोटो बना लो जल्दी करिए मेंटेनेंस लिखिएगा स्ट्रीम लाइन फ्लो लेकिन यहाँ पे अभी चीजें भी कर लो इसलिए को दूर कर लो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी फ्लो दे रहे ना इन तीनों पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा क्योंकि इधर जाने में क्या होगा आपका थिकनेस आपके टीम की घट जाएगी घटेगी तो क्या होगा वेलोसिटी और ये तो मान लो यहाँ पे V1 है यहाँ पे V2 है यहाँ V3 है अगर आपका आगे जाने में क्यों होता जा रहा है पतला होता जा रहा है तो वेलोसिटी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी और आगे जाने का अगर थिक होता जा रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगी डिक्रीज यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं पढ़ देंगे
अभी आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे ला कंटिन्यूटी पढ़ेंगे बेटा। ये सिचुएशन ये आपकी हो रही है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग v3 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन क्या होगा v1 होगा, यानी v3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, v2 उससे कम और v1 सबसे कम यहाँ पे होगा। ठीक है, वहीं डन लिख लिया जाएगा, जिससे कन्फ्यूजन ना हो कि सब जगह वेलोसिटी सेम, उस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी वो सेम सेम होगी, साइन का भी डिमिट। आगे देखिएगा हो गया। अब इसी को अगर हम इसकी बेस पे भी दिखा देते हैं, चलिए ठीक है उसको जरूर। आगे देखिए नेक्स्ट टेंशन, दूसरा लेमिनर फ्लो, लेमिनर LAMINAR इसी लाइन हो गया हमारा, इसको लेमिनर दूसरा लैमिनर फ्लो लिखिएगा। इफ द लिक्विड लैमिनर फ्लो बेटा उसमें लिखो, इफ द लिक्विड फ्लोइंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ द लिक्विड फ्लोइंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे पानी नदी में बहती है बेटा, फ्लोइंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए स्टडी फ्लो, विथ ए स्टडी फ्लो, विथ ए स्टडी फ्लो मतलब कॉन्स्टेंट रेट से, नीचे से जाना अगर उसमें रेट ऑफ फ्लो हाई है तब ज़्यादा ज़्यादा सेफ होता है।
ठीक है, तो उसका कारण वही होता है कि वहाँ पर वेलोसिटी, जैसे आप नीचे जाएंगे उससे तो वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर भी धरती जाती है। तो जो लिक्विड का अलग है, जैसे मान लो लिक्विड है तो होता क्या होगा, अभी हमें डिफरेंट लेयर ले लिया, डिफरेंट लेयर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, ये जो क्वालिटी आपकी मान लो ड्रॉप्स आपने लिया, तो डिफरेंट आपके जो ड्रॉप्स बन गए, तो ये इस लेयर की तुलना में अपर लेयर हमेशा ज्यादा हुआ, इसकी तुलना में ये इसकी तुलना में, मतलब ऊपर जैसे से आप जाएंगे तो ऐसे वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। तो अगर पूछा है सबसे ज्यादा आपकी वेलोसिटी किसकी होगी, अपर लेयर, बिलो फिर बिलो बिलो, इसी को अभी हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ेंगे बेटा आगे, इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म में पढ़ते हैं। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी वी है, तो इसकी वेलोसिटी वी प्लस डेल्टा वी होगा। अगर यहाँ से दोनों लेयरों के बीच का सेपरेशन डेल्टा जेड है, हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट तो आपका होता है, वेलोसिटी क्या ग्रेडियंट की जो वैल्यू डेल्टा, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा जेड, इसी को नाम देते बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है। मतलब दो क्या परपेंडिकुलर लेयर के बीच में जो आपका क्या है वेलोसिटी जो चेंजेस है उनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन दोनों लेयर का, उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसी के बीच, ठीक है। तो आगे कुछ बताएगा तो बताया जाएगा, क्या जानते हैं, ये समझ गया। ये कंडीशन आपका होता है लेंथर फ्लो, इसी को अगर हम फ्लो के हमें सिखाते हैं, अगर हम बना लें ये जो फ्लो आपका हो रहा है, ये आपकी बॉड का एक लेयर अगर दूसरे रिस्पेक्ट में आपकी मूव कर रही है, जिस टाइप का जो फ्लो होगा उसे कहते हैं हम लोग लेमिनर फ्लो का, लेकिन दो तीन महीने आपने बना नहीं है, पता तो रहे डिफिनेशन से क्या रिलेशन है, ठीक। जिस टाइप का जो फ्लो हो रहा है उसी को मूव कर रहे लेमिनर फ्लो में, पता पड़ रहा है ऊपर डिजाइन कर लिया, greater than its critical velocity moves with a velocity
ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी मूव्स विद वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी देखिए देन मोशन ऑफ द पार्टिकल then motion of the particle becomes irregular motion of the particle becomes irregular I double r e g u l a r irregular and such a flow is called a turbulent flow such a flow is called a turbulent flow flow is called a turbulent flow changes continuously changes kya ho raha hai continuously sufficient ke hal आपको एक्सेस में अभी पैसे मिल जाते 20 करोड़ फ्री में पकड़ा जाएंगे ना तो उल्टा पट्टा काम करना शुरू कर देंगे जब इसको भी एक एक्सेस में वेलोसिटी मिल जाती है तो अपने पास को छोड़ देता है डिस्टर्ब हो जाता है परेशान कर देंगे हाँ तो वो इधर उधर जाने लगता है तो वही काम ही है अगर आपको पैसे तो आपने मेहनत से कमाया तो आप पागल नहीं होंगे बहुत सारे हैं करोड़पति अरबपति खरबपति बहुत सारे लोग हैं मिलियन ट्रिलियन वाले लेकिन अगर आपको क्या फ्री में नहीं मिल गया जैसे चोरी करके लाते हैं उनके पास बस्ता क्यों नहीं है क्योंकि उनको उसकी वैल्यू नहीं होती आज का हम चोरी करके लाए ऐस करेंगे फिर ज़्यादा होगा फिर चोरी करेंगे ठीक लेकिन उसको मेहनत से कमाता तो क्या करता है उसको बचा के रखता है ठीक
सबसे सिंपलेस्ट पेन था तो 5 रुपये उस टाइम हुआ करता था जब हम लोग 6-7 में पढ़ते थे, ठीक है। और उससे पहले भी हो सकता है आई लिखना 6-7 से शुरू किया गया तो बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, मतलब पहले भी नहीं दे रहे हो, लेकिन हम लोग तो नॉलेज में 6 या फिर 6-8 मिलते तब पता चला। और उस टाइम पर उस पेन का कास्ट था 5 रुपीज़, मतलब आज ही को वैलेंट अगर बोला जाता तो आज के 15 रुपीज़ का 10 टाइम्स में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तब उस केस में जो होता था और हमें लगता है आजकल भी एक उसका जो व्हाइट वाला आता है पता नहीं आता कि नहीं, मार्केट में दिखता नहीं है, बाकी पहले के टाइम पर सब एक रिलेटेड होते थे, इससे पहले जितने भी लोग आते थे पुराने लोग होते थे उनके नाम जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उनके देवी देवताओं से रिलेट करके रखा जाता था, पता था ना, ज्यादातर राम आगे पीछे ठीक, हाँ जो भी होता था अपने कोई नहीं के जो भी होते थे उससे रिलेट कर दिया जाता है, उसके बहाने हम ऐसा कर लेते थे। और आज की डेट में क्या ऐसा नाम रखा जाता है कि फिर वो अल्लाह भी ना जाने क्या है वो, ठीक। देखो मेरा तो यहाँ पे कंडीशन जो बनता बेटा हमारा ऐसे ही जो रेनॉल्ड साहब के ना एक नंबर है, ठीक है, रेनॉल्ड प्रेजेंट का था उसकी स्मूथनेस फ्लो, इसको स्मूथनेस फ्लो हो जिस लिक्विड के रेनॉल्ड्स के नंबर की वैल्यू जो उसकी ज़्यादा होती हम कहते हैं उसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होगा उतना ही ईजियर होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, जनरल लिक्विड के नंबर के डिफरेंट नंबर होते हैं उसके बेस हम डिसाइड करते हैं कि अगर किसी लिक्विड का वैल्यू हमारी है रेनॉल्ड्स नंबर के बेस पर डिसाइड करते हैं उसका फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा या मिक्स्ड होगा या क्या होगा आपका वो टर्बुलेंट होगा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी नंबर के डायरेक्शन से करते हैं। अब डाटा थोड़ा सा किताबों अलग अलग है, कुछ किताबें दिया गया 2000 से अगर हमारा क्या है बिलो है तो उस कंडीशन में फ्लो हमारा स्ट्रीम लाइन होता है, 2000 से लेकर 3000 तक है तो वो मिक्स होता है, मतलब वही कंडीशन बदलने वाली होती है, और फिर हम उनसे ग्रेटर हो जाता है तो कम्प्लीटली वो टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो फिर आप देखिए क्रिटिकल अध्ययन का आपने बना लिया क्रिटिकल क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर लिखिए। क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच इट्स फ्लो इज अप टू विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीम लाइन अप टू विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीम लाइन एंड अबव विच इट्स फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, अबव विच इट्स फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है बेटा जिससे नीचे अगर वेलोसिटी है लिक्विड की तब तक फ्लो कैसा रहेगा आपका स्ट्रीम लाइन होगा, ठीक। अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो क्या कहेंगे हम लोग टर्बुलेंट कहते हैं, अगर स्ट्रीम के क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी कम है लिक्विड की तब तक तो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी से जैसे एक्सीड करेगा जैसे बढ़ेगा उसका फ्लो हमारा कैसा हो जाता है टर्बुलेंट हो जाता है, तो लिक्विड फ्लो जो आपका होता है कैसा हो जाएगा आपका टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक। और फिर हम उसी को रिलेट करते हैं क्या रेनॉल्ड्स नंबर से, तो नेक्स्ट टाइम से लिखिए यार। और रेनॉल्ड्स नंबर बेटा एक प्योरली नंबर होता है,
क्या होगा, ये प्योरली नंबर है जिसके बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं कि जो लिक्विड का फ्लो होगा वो कैसा होगा, जिसके एलिमेंट्स है। रेनॉल्ड्स नंबर इज ए प्योर नंबर, नेक्स्ट टाइम लिखिएगा रेनॉल्ड्स नंबर इज ए प्योर नंबर जल्दी विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप अगर हमें निर्णायक नंबर को डिफाइन करना हो तो ये डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर फ्लोइंग लिक्विड नीचे किया एनआर नंबर को बेटा एन जी से दिखा देते हैं, एनआर से दिखा दिए एनआर इक्वल टू एनआर से आप रिप्रेजेंट करेंगे देखिए एनआर इक्वल टू इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया पर विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इसकी वैल्यू रखी जाती है बेटा तो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है जो हम लोग अगर फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में इनर्शियल फोर्स जो होगा ठीक है वेलोसिटी इनटू क्या अगर तो नहीं करता नहीं है फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट देखिए एन आर इक्वल टू वी इंटू रो इंटू आर अपॉन ईटा एन आर इक्वल टू वी स्क्वायर रो अपॉन स्टार्टिंग में तो फिर वही आएगा बी इंटू रो इंटू आर अपॉन ईटा सीधे कर लो एन आर का अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं बेटा निकालते हैं तो वैल्यू सीधा ही दिएगा बी इंटू रो इंटू आर अपॉन ईटा उस पाइप के लिए हमें रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा मिलेगा मतलब क्या
वहाँ पे कंडीशन जो होगी पानी में क्या स्टीम लाइन फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पतला होगा तो गिरावटी बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो टर्मिनल पे जाकर ठीक है। तो ये हो गया एनआर, हो गया बी इंटू रो इंटू आर अपान ईटा, जिसका एनआर ज़्यादा उसका टर्मिनल पे ज़्यादा रेडियस अगर ज़्यादा है उसका, तो ऐसे मतलब सेम बाकी सबको सेम है। अगर सबको साइनेटिकल ले लिया जाए, मतलब वेलोसिटी वही है, डेंसिटी लिक्विड की वही है, जो लिक्विड है वो सेम है, तो उस केस में जिसके लिए जिस ट्यूब के लिए आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए रास्ता नंबर क्या मिलेगा, भाई ज़्यादा मिलेगा। इससे पानी इस नदी ले लो, नदी का आप देखते होंगे बेटा, जहाँ पे नदी चौड़ी होती वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होता है, जहाँ पे सतरी होती जहाँ से पुल वगैरह होता है बारिश के टाइम पे, जब पुल को क्रॉस करता था वहीं पे हमारा सर्कुलेशन होता है। तो इसका मतलब वहाँ पे थिन हो गया, क्या हो गया, थिन हो गया, तो रेनॉल्ड्स नंबर घट गया। अब रेनॉल्ड्स नंबर घट गया तो कन्वर्ट किसने हो गया, जो आपकी जो वैल्यू थी जो स्टीमेंट हो रही थी वो टर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियस जब घटाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू घटेगी, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो 2000 से बिलो होती है तब तक तो स्टीम लाइन कहते हैं, और अगर उससे ज़्यादा हो गए तो क्या हो गया आपका टर्मिनेट हो जाता है। तो वो वेलोसिटी की बेस पर हम लोग फिर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसके बेस पर वेलोसिटी के बेस पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, लिखिएगा क्या लिखिए बेटा, रिलेशन लिखिए, आगे लिखिएगा सर इस रिलेशन समझे, रेडियस से कैसे अनाज होगा, रेडियस कहा जा रहा है, जैसे कोई भी अगर आप रेनॉल्ड्स नंबर किसी लिक्विड के पर्टिकुलर किसी लिक्विड से निकाल रहे हैं, वो दो अलग अलग ट्यूब में से वेलोसिटी अगर भेजा जा रहा है, तो जिस ट्यूब के लिए आपको क्या होगा मोटा होगा रेडियस ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा वहाँ से फ्लो की जो कंडीशन होगी उसके लिए हमारा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे रेनॉल्ड्स नंबर आर के हो जाएगा ना, ये सब दोनों में बराबर होना, हमने बाकी कंडीशन सेम लिया, तभी तो एक को हम लोग क्लियरिफाई करते थे, बाकी को हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, बाकी जब कॉन्स्टेंट मानेंगे तभी एक दूसरे को हम रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो उस बेस पे आपको बोला जाता है, नीचे लिखेंगे आप, हो गया नीचे कलर पेंसिल के, इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इसका ए लिख लो, लाई बिटवीन, लाई बिटवीन जीरो टू 2000, जीरो से लेके 2000 तक, जीरो टू 2000 द फ्लो ऑफ लिक्विड इज, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज, अगर 0 से 2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मिलती है, लाई बिटवीन 0 टू 2000 द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीम लाइन आर लेमिनर, पाइप में होगा तो स्ट्रीम लाइन, खुले में होगा तो लेमिनर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बी, लाई बिटवीन, लाई बिटवीन 2000 टू 3000, अगर 2000 से लेके 3000 के बीच में लाई करता है, लेकिन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज 2000 टू 3000, 2000 से 3000 लाई बिटवीन 2000 टू 3000 द फ्लो ऑफ लिक्विड इज, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनस्टेबल, अनस्टेबल एंड चेंजिंग फ्रॉम, एंड चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीम लाइन टू टर्बुलेंट, चेंजिंग फ्रॉम अनस्टेबल होगा स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट की तरफ वो शिफ्ट होने वाला है, चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीम लाइन चलो सीमा पर होगा, चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीम लाइन टू टर्बुलेंट, मतलब वो मिक्स पार्ट में कुछ टर्बुलेंट पार्ट का आ जाएगा, कुछ स्ट्रीम लाइन या कन्वर्ट होने वाला होगा, होने वाले हैं। और तीसरा डेफिनेटली
ब्लॉक लिक्विड इज डेफिनेटली DEFINITELY मतलब निश्चित रूप से देन फ्लो ऑफ लिक्विड इज डेफिनेटली कार्बोलेट फ्लो ऑफ लिक्विड इज डेफिनेटली टर्बुलेंट उस केस में जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो कैसा होगा आपका डेफिनेटली आपका टर्बुलेंट हो जाएगा फ्लो ऑफ लिक्विड इज डेफिनेटली बोलेगा ऐसे केस में जो लिक्विड का फ्लो होता है उसे हम लोग क्या कह लेते हैं बेटा टर्बुलेंट कह लेते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड इज डेफिनेटली टर्बुलेंट अब यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर के बेस पे हम लोग क्या करते हैं फाउंड आउट करते हैं कैसे उसका फ्लो होगा इसीलिए जब रेडियस घटता है तो वेलोसिटी बढ़ेगी वेलोसिटी क्या हो रही है बढ़ेगी तो कन्वर्ट होता है स्ट्रिंग लाइन से किधर की तरफ टर्बुलेंट की तरफ ठीक चलिए समझ गए ना तो बहुत नहीं बस इतना याद रखिएगा क्या होता है आपका क्या टिपिकल वेलोसिटी जब जिस वेलोसिटी से बिलो आपका क्या स्ट्रिंग लाइन हो उससे ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाए तो हम लोग कहेंगे टिपिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है अगर किसी भी लिक्विड के रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से लेकर 2000 के बीच में लाई करती है फ्लो होगा अगर 2000 से 3000 है तो अनस्टेबल होगा स्ट्रीम लाइन विल बी कन्वर्टेड टू टर्बुलेंट अगर 3000 से ज़्यादा वैल्यू दी गई है तो उस केस में क्या हो जाता है ठीक इसके बेस हम लोग निकाल लेते हैं ऐसा फ्लो होगा क्या सर आगे आने तक ला ऑफ कंटिन्यूटी ला ऑफ कंटिन्यूटी समान है तो बढ़ जाएगा ठीक तो यहाँ तो देखते हैं अब
भी कहते बोल रही है। तो मास इक्वल जो बालों की टोटल डेंसिटी में बी इंटू रो यहाँ डेंसिटी लिखा है, तो बी इंटू रो इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बी डैश इंटू रो, क्योंकि डेंसिटी में हमारे दोनों क्या है सेम से कभी यहाँ ऐसे फैमिली काटते हैं। तो ये अपान हो गया कि अपान हो गया कि अब जो फैक्टर कॉमन था और बालों की कहो बात या तो बालों की डेंसिटी, अब बालों इसका एरिया ए है मेरा उसकी लीवर है, यूनिट टाइम में यहाँ से जो बारोमीटर करेगा ए वन इंटू बी वन से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वन इंटू बी वन इंटू रो अपान टी इक्वल टू ए टू इंटू बी टू इंटू रो अपान कितना टी, ए की जाए तो रो जाए तो आगे क्या ए वन बी वन इंटू रो ए टू, हमारा ग्राफ क्या कहा जाता है कंटिन्यूटी कह जाती है क्या लाफ कॉन्टीन्यूटी, तो इसी को नाम देते हैं ग्राफ क्या कहेंगे कॉन्टीन्यूटी कहेंगे हो जाएगा। तो लिखिएगा जब देखो लीजिए ग्राफ कॉन्टीन्यूटी या क्वेश्चन ऑफ कॉन्टीन्यूटी लिखिए, इट इज राइट है, इट इज राइट है from the principle of conservation of mass, from the principle of conservation of mass, from the principle of conservation of mass, conservation of mass, principle of conservation of mass, if a non-viscous, if a non-viscous and non-compressible, if a non-viscous and non-compressible, if a non-viscous and non-compressible liquid is, if a non-viscous and non-compressible liquid is under streamline flow, under streamline flow, unsymmetrical tube. तो मानो हमें ये भी देखिए, तो ये unsymmetrical tube x y, तो ये unsymmetrical tube x y. तो ये अनसिमेट्रिकल ट्यूब का क्या बेटा एक्स वाई देन देखिएगा मास ऑफ लिक्विड इंटेक पर सेकेंड देन मास ऑफ लिक्विड इंटेक पर सेकेंड एट इंड मास ऑफ लिक्विड इंटेक पर सेकेंड एट इंड एक्स इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड इमर्जिंग पर सेकेंड एट इन वाई मास ऑफ लिक्विड इमर्जिंग पर सेकेंड एट इन वाई इन वाई वाई यहाँ पे एक्स ले लिया उससे वाई और यहाँ पर दोनों दोस्तों भी कर लेते बेटा इमर्जिंग भी वही है तो यहाँ पे ले लेंगे सिंस दोनों भी कर लो नोट कर लीजिए ऐसे बना लीजिए का मतलब सर जो रोमन रोसी डेंसिटी दोनों तक तो क्या है लिक्विड से पास आउट हो रहे तो डेंसिटी क्या होगी बराबर हो गई उसकी तो कौन गैस में होता है एक ही लिक्विड जा रहा है ना डेंसिटी क्या रहेगी सेम सेम रहेगी कैसा भी लिक्विड लिया जाए सबका रो सीमित रहेगा
हम एक बार जो पाइप कंप्रेसर हो जाएगा तो नॉन कंप्रेसर रहेगा पाइप कंप्रेस हो रहा है तो क्या करेगा? सर अगर एक पानी बहुत पतला पाइप हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत मोटा इतने मोटे पाइप से आ रहा है एक इतना पतला हो जाता है प्लास्टिक बढ़ जाएगा और सब डिस्टर्ब हो जाएगा जैसे अगर स्ट्रीम लाइन होगा अगर सर वेग ज़्यादा रहे कि वहाँ से जहाँ से पतला हो वहाँ टकराने के बाद हल्का सा ऊपर होकर डिस्टर्ब कर दे तो नहीं करेगा जैसे जाए जैसे जाते हैं उनसे जहाँ पतला तो होता वहाँ क्या कर लेते हैं लोग पास पास से गुजर जाते हैं जहाँ चौड़ा होता दूर दूर गुजर हो गया एवं बी एम की वैल्यू एक मिली नीचे लिखी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर वेर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी where area of cross section will be smaller where area of cross section will be smaller जहाँ पे area of cross section पतला होगा वहाँ velocity क्या होगी ज़्यादा होगी velocity की वैल्यू उस पॉइंट पे ज़्यादा होती जहाँ पे एरिया हमारा क्या होता है पतला अगर v और a के बीच हम लोग ग्राफ ड्रा करते ऐसे मिलता है ये velocity है ये एरिया है जैसे जैसे एरिया बढ़ाओ तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी एरिया घटाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी एरिया बढ़ने पे वेलोसिटी घटती है एरिया घटेगी तो क्या वेलोसिटी एक महीना आगे देख रहा इतना कर लीजिए जब इस पानी के लिए करा रहे होंगे तो कम कराया जाता है ठीक है आप